नमस्कार। नमस्ते, क्या शुभ नाम आपका? टोनी मनोज कुमार सर। नहीं नहीं, टोनी नाम है या मनोज कुमार नाम है? सर मेरा पहला नाम टोनी है सर, टोनी। आप टोनी गारू है? ये आपने लोगों के यहाँ सिखाया कि नहीं सिखाया झांसी में कि गारू क्या होता है? सिखाते हैं सर। आज इस मौके में आपको बताना चाहता हूँ, आज राष्ट्रीय तेलुगु भाषा दिवस है सर। इसकी इसकी दौर पर आपको तेलुगु में बोलना चाहता हूँ। जरूर बोलिए, मुझे अच्छा लगेगा। गौरवनीय प्रधानमंत्री गारु नमस्कारम सर। नमस्कारम। हाँ, कुछ कह रहे थे टॉनी सर? हाँ जी सर। सर आपको तेलुगु में बोल सकता हूँ सर? हाँ बोलिए बोलिए सर। మీ యొక్క కార్యక్రమాలు కానీ, మీరు చేసిన కృషి సంక్షేమ పథకాలు కానీ మొత్తం దేశం మొత్తానికి ఎంతో శుభకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాయి సార్. దాని కొరకు మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం సార్. దేకి ముజే సమజ్ ఆ గయా. దేకి మే ఆశీర్వాద్ దేనే వాలో మే సే నహీ హూ, మే తో ఆప్కా సాథీ హూ ఔర్ హమ్ సబ్ నే మిల్ కర్ కే ప్రకృతి కే ఆశీర్వాద్ లేనే హై, పరమాత్మా కే ఆశీర్వాద్ లేనే హై ఔర్ जो लक्ष्य तय किए हैं उसको पार करना है। अच्छा टोनी, आप बताइए, आप अपनी पढ़ाई के अलावा भी आंध्र प्रदेश की कृषि और ग्रामीण जीवन से जुड़ी प्रैक्टिस को, वहाँ के अलग अलग तरीके हैं, जैसे आपके यहाँ इमली बहुत है, आपके यहाँ हल्दी बहुत है, इन चीज़ों से इनको परिचित करा रहे हैं क्या? इन सब आपके साथ ही पूछते हैं क्या आपको? जी जरूर जी। जी हमारे आंध्र प्रदेश में बहुत से धान एवं आम, इसके साथ साथ इमली, तंबाकू और हल्दी का भी बहुत ज़्यादा पैदावार होता है सर। इसको इसको मेरे दोस्तों, मेरे साथियों के साथ बहुत शेयर करते हैं और चर्चा भी करते हैं। और मेरा सौभाग्य यह है कि इस केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में 22 राज्यों का छात्र है सर। उन सब लोगों को मिल के उनके साथ चर्चा करने से मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है सर। इसके लिए मैं बहुत इस यूनिवर्सिटी को बहुत धन्यवाद बताना चाहता हूं सर। और इसके साथ झांसी के क्षेत्र के अनुकूल, हम यहां इस झांसी के क्षेत्र के अनुकूल चने के संरक्षित खेती यानी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पे काम किए हैं सर हमारे मास्टर्स डिग्री में। इसमें तीन सिद्धांत होता है सर। पहला है कम से कम जुताई करना खेती में, और दूसरी है फसलों का चक्कर फॉलो करना, और तीसरी है हमारी जो फसल का अवशेष है वो खेती पे इससे रहने देना या कि बिछा देना। इससे ये होता है कि मृदा के सेहत के साथ साथ मोस्टली प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी पे बहुत इफेक्ट पड़ा है सर। ये तो हमने हमारा मास्टर्स के थीसिस से भी ये इफेक्ट निकला है सर इससे। टोनी, आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी के साथ हम लोग दो क्षेत्रों में रिसर्च का काम कर रहे हैं, एक चना और दूसरा बनाना। दोनों में काफ़ी अच्छा, मैं पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया गया था तो सारे प्रोजेक्ट को देखने गया था। भारत के और ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट मिल करके उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में अगर शायद हो सकता है वो सारी चीज़ें वेबसाइट पे होगी तो उससे मैं इस दिशा में आप काम कर सकते हो। देखिए, फर्टिलाइज़र का उपयोग कम हो, मुझे लगता है इसके लिए भी बहुत बड़ी जागरूकता फैलाना जरूरी है। और आप पढ़े लिखे नौजवान, जो कृषि जगत से जुड़े हुए नौजवान, ये जब ये बात समझाएंगे किसानों को, उनमें विश्वास पैदा करेंगे। और किसान का स्वभाव है वो कान से सुनी हुई बातों को बहुत कम मानता है, किसान आंख से देखी हुई चीजों पर विश्वास ज्यादा करता है। जब तक आप उसको सफलता दिखाते नहीं हो वो फॉलो नहीं करता है। तो उस दिशा में कुछ कर रहे हैं क्या आप? जरूर। नॉर्मली देश में किसानों बहुत ज्यादा यूरिया या कि कोई दूसरी फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा प्रयोग करता है, और इस दौरान से मतलब मोस्टली फर्टिलाइजर का नेगेटिव इफेक्ट्स या कि साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा मिट्टी के सेहत, इसके साथ साथ मनुष्यों का स्वास्थ्य पर भी बहुत बड़ा दुष्प्रभाव दिखा रहा है। मोस्टली आपके द्वारा प्रारंभ किया गया जो स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड या नीम कोटेड यूरिया, इन स्कीमों के द्वारा
जो यूरिया के कोई दूसरे फर्टिलाइजर अन्य फर्टिलाइजर कुछ भी हो, इसके जो हो रहा है इसके खेती पे लागत कम हो रहा है, इसके साथ साथ मिट्टी के स्वास्थ्य पर भी बहुत जो असर पड़ रहा है उसको भी कम कर सकता है। जो किसान है सॉइल हेल्थ कार्ड का रिपोर्ट के अनुसार फर्टिलाइजर को अप्लाई किया जा रहा है आजकल, इससे मिट्टी का स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट दिख रहा है, ताकि एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर यूज ना हो रहा है। और इसके साथ साथ जो पहले यूरिया जो है उसका एफिशिएंसी बहुत कम थे, इसका अब जो नीम कोटेड यूरिया आया है, नीम कोटेड यूरिया आने के बाद जो टोटल यूरिया जो कंजम्पशन होता है उसमें 10% तो यूरिया कंजम्पशन कम हो गया है। इस एरिया में जो सॉइल हेल्थ कार्ड जो बहुत अच्छा सक्सेसफुल स्कीम हुआ है, और इसके लिए हम बहुत खुश हैं सर। देखिए, मैं सभी एग्रीकल्चर से जुड़े लोगों से जरूर कहना चाहूंगा, और टोनी आप भी अपने साथियों को बता सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये दुनिया में उसकी बहुत मांग है, बहुत वैल्यू है। भारत के लोगों को ये चीजें हस्तगत है, मैंने हम सदियों से इसी के आदि थे, बीच में ही हम थोड़ी गाड़ी डिरेल हो गई है, हम बहुत तेजी से इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपने देखा होगा इन दिनों प्रयोग चल रहे हैं जीरो बजट फार्मिंग, बहुत आसानी से किसान इसको बढ़ाया जा सकता है। और मैं चाहूंगा कि जितनी बड़ी मात्रा में हमारा देश, हमारे किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जाएं, और ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट के लिए हम तैयार करें, बहुत बड़ा परिवर्तन मिलेगा। टोनी, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, आपको आपके साथियों को सफलता मिले। धन्यवाद। धन्यवाद सर।